यह है कि स्कूटी चार्जर है, ईवी चार्जर ये, इसमें क्या प्रॉब्लम है आज हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको चेक करने के लिए यहाँ पर लगा फ्यूज, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ इसके जगह पे हम एक बल्ब लगा देते हैं। इसे हम ऐसे इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक बल्ब लेंगे 100 वाट का, और इसको जो है ऐसे सीरीज में लगा देंगे। अभी आपको दिखाते हैं कि इसके प्रॉब्लम को कैसे रीड आउट करना है और ये प्रॉब्लम कहाँ है। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये हो गया एक बल्ब, और यहाँ पे इसको सप्लाई देते हैं। ये सीरीज है, और अगर डायरेक्ट सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर देखें, ये पूरा जल गया। अब ये प्रॉब्लम कहाँ है इसको आपको दिखाते हैं। पहले इसका मेंस कैपेसिटर जहाँ है इसको हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं है। ठीक है, अब कंटिन्यूटी मोड पे एनालॉग इसको किए हैं जो डिफ्लेक्शन के रूप में दिखाई देगा। देखिए, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, यानी ये जो मेंस फिल्टर है यहाँ पे इसकी कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। और अब यहाँ पर ये MOSFET, इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं कि ये MOSFET सही है कि नहीं, क्योंकि ये MOSFET ओपन करने पे आपको इसके पोजीशन भी गेट ड्राइव क्लियर करके मालूम हो जाएगा। ऐसे इसको निकाल देते हैं। यहाँ से निकालने के बाद अब इसके MOSFET को चेक करते हैं। MOSFET का नंबर यहाँ पर देखेंगे तो MOSFET का नंबर है 11N90, यानी ये 900 वोल्ट 11 एम्पियर का MOSFET है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। ये ड्रेन है और ये सोर्स है। एज ए डायोड इंडिकेट, फिर पलट देते हैं। पलटने के बाद देखेंगे यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं, फिर यही प्रॉब रेड वाला यहाँ पर लगाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं, फिर ये बीच वाला यहाँ पर रेड रखते हैं और फिर ये ब्लैक से ऑन करते हैं। देखिए ऑन हो गया, फिर इसे प्लट कर देखते हैं, ये हल्का सा रीडिंग दे रहा है। अब इसको और कंफर्म करना हो तो यहाँ पर जैसे इसमें एक स्पेशल रेंज है जहाँ से ऐसे कर देंगे ऑन, और फिर देखिए पूरा डिफ्लेक्शन दिया दोनों तरफ। ठीक, तो ये हमारा ओके है, क्योंकि ऐसे जब यहाँ पर प्लट के रेड वाले प्रॉब से गेट पर देंगे, गेट ट्रिगर देने के बाद यहाँ पर देखें डिफ्लेक्शन बंद, फिर पलटेंगे ओके, तो ये हमारा ओके है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई दे दी, सप्लाई देने के बाद इसे सप्लाई देते हैं। और यहाँ पे मेंस फिल्टर पे चेक करते हैं, देखिए ओके है सप्लाई। फिर
यहाँ पे नेगेटिव प्रॉब रख के और गेट पे देखिए ये ओके कंडीशन बता रहा है, यानी इतना यहाँ पे हमारा इनपुट जो प्राइमरी सेक्शन है वो टोटल ओके है। निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पर डीसी वोल्टेज देखते हैं। डीसी वोल्टेज यहाँ पे कैपेसिटर पूरा चार्ज है। मल्टीमीटर पर ध्यान दें, ये डिस्चार्ज हो रहा है। अब हम इस मॉस्फेट को दोबारा इस लगा देंगे। इसे इस तरीके से डिस्चार्ज कर लें। अब इस मॉस्फेट को दोबारा यहाँ पर लगा दें। इसको इसी तरीके से सोल्ड कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉल्ट, फिर इसे ऑन करते हैं, यानी सप्लाई देते हैं चार्जर को। देखिए सेम सिचुएशन वही दिखा रहा है, ठीक है। अब हम सेकेंडरी में देखते हैं वोल्टेज। देखिए सेकेंडरी में वोल्टेज बन रहा है, फिर यहाँ पर देखते हैं फीडबैक में कोई वोल्टेज नहीं, यानी यहाँ पे वोल्टेज है और इस फीडबैक पे वोल्टेज नहीं है। अब यहाँ पर देखें ध्यान से, ये प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये फीडबैक की वाइंडिंग है और ये देखिए यहाँ से ये यहाँ से सड़ गया है। इसे और फोकस कर देते हैं, देखिए ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। अब इसको हम जॉइंट करके फिर देखते हैं आगे।
अब इसको अभी हम ऐसे देख लेते हैं, फिर नहीं होगा तो हम नीचे से इसको ओपन करके भी ज्वाइंट कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि नीचे और भी इसका सड़न हो इस वायर का। तो पहले हम इसको चेक करते हैं, इसकी पोजीशन, इसको सप्लाई देते हैं, फिर देखते हैं। देखिए इस समय कोई भी बल्ब की ग्लोइंग नहीं हुई। अब यहाँ पे डीसी सप्लाई चेक करते हैं सेकेंडरी में, तो ये नेगेटिव है और ये है पॉजिटिव। ये देखिए 50 वोल्ट से ऊपर, डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करते हैं। छप्पन यानी 56.74 वोल्ट शो कर रहा है, तो ये ओके है। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए फीडबैक बाइंडिंग, और यहाँ पर देखें, सॉरी ये जो सप्लाई आउट हो रही है आउटपुट की, ये है, और ये फीडबैक बाइंडिंग है, ठीक है, जहाँ पे ये ओपन था इसलिए ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा था। अब यहाँ पर देखेंगे तो मेंस फिल्टर पे 313 वोल्ट शो कर रहा है। अब यही प्रॉब्लम यहाँ पर हम लगाएंगे गेट पे, देखिए यहाँ पे 0.143। अब इस चार्जर के कुछ इम्पॉर्टेंट वोल्टेज हैं जो हम आपको इस वीडियो में ही इस डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा दिखाएंगे। इसे हम डिजिटल मोड पे रखते हैं और अपने के बाद इसको सप्लाई देते हैं चार्जर को। चार्जर को सप्लाई देने के बाद यहाँ पर देखें, ये मल्टीमीटर का प्रॉब, हम एक ग्राउंड ले लेते हैं यहाँ से, ये रेजिस्टेंस है, ये ग्राउंड है। अब इसी ग्राउंड से आप मल्टीमीटर को देखें क्या रीड कर रहा है। तो सबसे पहले जो फॉल्ट था वहाँ पर दिखा दें, ये डीसी वोल्ट 14.88 यानी 14.88 वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है, इस डायोड पे। अब नेक्स्ट ऐसे देखें, ये डायोड, यही जो है यहाँ इस आईसी पे भी इस वोल्ट इसको दे रहा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आउटपुट की सप्लाई, ऐसे देखेंगे तो 56.45, तो ये हमारा मेन टेस्टिंग है, यानी एक वोल्टेज ये और एक वोल्टेज ये। अब इसके बाद अगर हम वोल्टेज को देखें तो यहाँ पर जो आईसी के वोल्टेज हैं, तो इस साइड में देखेंगे यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं इसे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पिन नंबर एक से, देखिए 13.40 वोल्ट शो कर रहा है यानी 13.40। फिर पिन नंबर दो पे 0.067, फिर पिन नंबर तीन पे 50.12, फिर नंबर चार 0 वोल्ट, फिर नंबर पाँच, ठीक है, इसको देखिए फैन के लिए तो, और फिर नंबर छः, फिर नंबर सात यानी 7, फिर नंबर आठ, तो ये हमारा पिन नंबर 8 है जहाँ पे 14.88 वोल्ट, यानी ये जो सप्लाई है, ये जो इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई है, तो ये यहीं से इसका जो वोल्टेज इस पे आईसी पे आ रहा है पिन नंबर 8 पे। फिर इसका जो ये ट्रांजिस्टर है, इसके बीच में बेस है जो 14.88 वोल्ट शो हो रहा है, यहाँ पे 0 है, फिर ये मीटर पे भी 0 है, ठीक है, यही इसका वोल्टेज है। और
फैन की टेस्टिंग अगर आपको देखना है तो यहाँ पर ये पिन नंबर 5 ये देखें, अब इसका यहाँ पर देखें, यानी यहाँ दो ट्राइपॉड यूज़ किया गया है, एक ये है जो हीट सिंक से टाइट किया है और एक ये है। इसी के द्वारा यहाँ पर रिले पे आएगा, जब बैटरी हमारी जुड़ेगी तब यहाँ पे आपका आउटपुट पे सप्लाई आएगा। ये तो इसका जो ये वोल्टेज है ये 56.46 15.46 वोल्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।